कोविड-19 के दृष्टिगत कलेक्ट्रेट परिसर में बनाए गए कंट्रोल रूम में विभिन्न विभागों के कर्मचारी लगातार ड्यूटी पर लगे हुए हैं। कंट्रोल रूम में कोविड-19 के अलावा बाढ़ के लिए भी कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर नीरज श्रीवास्तव की देखरेख में स्थापित कंट्रोल रूम में पुलिस, स्वास्थ्य, विद्युत, राशन सामग्री सहित अन्य विभाग के कर्मचारी लोगों की समस्याओं को सुनते हुए उसका निस्तारण कर रहे हैं। इसी के साथ कंट्रोल रूम से निगरानी समितियों की मॉनिटरिंग के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। समय समय पर कंट्रोल रूम के कार्यों का एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने जायजा लिया तथा आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस राजेश कुमार सिंह ने कहा, क्या मैं अपनी बात के लोगों को एक्सप्लेन नहीं, डे वन से कर रहा हूँ। सब एमआईएस वाले एक्सपर्ट बने हुए, एक ने कहा अब देखिए ना कितना आसान से कोई भी हैंडल करना आसान है। हम लोगों ने काफी मेहनत किया, डे वन से मेहनत कर रहे हैं। किस चीज़ का है? बिजली संबंधित ही आएगा, किस चीज़ के लिए फॉल्ट आया, ट्रांसफार्मर के लिए आएगा, फॉल्ट का, ट्रांसफार्मर का, हर एक का बिल का भी आता है। राशन कोई कंप्लेन आया भी क्या? अभी ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आई है। एक कंप्लेन आई है जो होम क्वारंटाइन से संबंधित है और सूचित कर दिया गया है निकटवर्ती चौकी को कि वो व्यक्ति होम क्वारंटाइन है, उसको पीछे ध्यान दें, घर से बाहर ना घूमने पाए। तो बाहर निकल रहे हैं क्या? जैसे कंप्लेन आया था उसका, महीने वाले ने कहा था कि घर से बाहर निकले हुए इसके अलावा कोई अभी तक कुछ। कोई कंप्लेन आया अभी तक? हम लोग ये कर रहे हैं, जो केस निकले हैं उसकी ट्रेसिंग कर रहे हैं, जो कोविड-19 के केस पॉजिटिव केस हैं उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। क्रॉस चेकिंग निगरानी समिति है, निगरानी समिति, और जो कोविड-19 से पॉजिटिव है उनका ट्रेसिंग दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग, वो भी टेबल वही है। यहाँ के कोरोना पॉजिटिव जो पेशेंट हैं मेडिकल कॉलेज, रेलवे, एयरफोर्स से जो लिस्ट भर्ती होते हैं उनकी लिस्ट मुझे मिल रही है, उनका हम ट्रेसिंग का काम कर रहे हैं कि वो पॉजिटिव होने के 10 दिन पहले कहाँ कहाँ हो गए थे, किन से संपर्क में थे, किस दुकान पर गए थे, किस सैलून पर गए थे, क्या सामान खरीदने गए थे, कहाँ से उनको मिला, यह जानने का हम उसे भूल गए करके। किस चीज़ के काउंटर है? जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया है कि ये कंट्रोल रूम कुछ नए दायित्वों का भी निर्वहन करे। उसमें से पहला दायित्व तो और जो प्राथमिक दायित्व है वो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का। तात्पर्य यह है कि यदि कोई व्यक्ति जिसका टेस्ट होता है और वो पॉजिटिव निकलता है तो तत्काल कंट्रोल रूम को अवगत करा दिया जाता है कि ये व्यक्ति पॉजिटिव निकला है, और कंट्रोल रूम फिर जिस इलाके का वे व्यक्ति होता है या पिछले 10 दिनों में वो जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में आया उसकी ट्रेसिंग का कार्य करता है। दूसरा, कंट्रोल रूम प्रत्येक निगरानी समिति से क्रमशः वार्ता कर रहा है कि भाई आपके यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है,
होम क्वारंटीन का पालन हो रहा है, मास्क इत्यादि का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं प्रत्येक तहसील में और प्रत्येक 8 नगर पंचायतों के ग्राम पंचायतों के ऊपर, तो सेक्टर मजिस्ट्रेट से वार्ता की जा रही है, उनका फीडबैक लिया जा रहा है और उनके फीडबैक को जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से समस्त उप जिलाधिकारियों को निर्देशित कराया जा रहा है कि आपके क्षेत्र में जो सेक्टर मजिस्ट्रेट कार्य कर रहे हैं उनके द्वारा ये फीडबैक मिल रहा है और इसका सुधार करा लिया जाए। बाढ़ के लिए भी यही कंट्रोल रूम कार्य कर रहा है। यदि जनपद में कहीं, यदि हमारी बाढ़ चौकियां बनी हुई हैं, परंतु यदि किसी व्यक्ति को कोई सूचना देना है तो इस कंट्रोल रूम को सूचना दे सकता है। सर, लॉक शुरू हुआ 2 दिन के लिए, लॉकडाउन शुरू हुआ 2 दिन के लिए, उसके लिए कंट्रोल रूम काम करता है। लॉकडाउन में कंट्रोल रूम को कोई सूचना दे सकता है कि साहब यहाँ लॉकडाउन नियमों का पालन नहीं हुआ है। यद्यपि फील्ड में सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, पुलिस ऑफिसर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं और लोगों से अनुरोध किया जा रहा है, शासन का निर्देश यह है कि हम बाज़ार को बंद रखें और बाज़ार में अनुरोध करें, उनको प्रेरित करें कि यदि वो लॉकडाउन का पालन करेंगे तो हम कोरोना से बच सकेंगे। सर, आप भी कुछ अपील कर रहे हैं जनता से? मेरी अपील वही है जो शासन की अपील है कि कोरोना से जंग अभी जारी है और इसके लिए 2 चीज़ें अगर लोग करते हैं, एक मास्क को पहनना और 1-2 गज की दूरी मेंटेन करना, कम से कम ये 2 चीज़ें यदि आप करते हैं तो आप सुरक्षित रहेंगे और आपकी सुरक्षा ही हम सबों का दायित्व है।